दोस्तों कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार प्राची इस समय बेहद ज़्यादा टेंशन में नजर आ रही है, क्योंकि दोस्तों रणबीर आ तो चुका है, लेकिन दोस्तों रणबीर के आने के बाद में यहाँ पर आलिया भी आ चुकी है और आलिया बोलती हुई नजर आएगी कि रणबीर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि आखिरकार तुम इस शादी को तोड़वाने की जो कोशिश कर रहे हो। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इधर आलिया और रिया दोनों फूफी भतीजी इतनी ज़्यादा टेंशन में हैं कि रणबीर का समझ नहीं आता इन लोगों को। लेकिन दोस्तों रणबीर आज भी कहीं ना कहीं वो प्राची से ही मोहब्बत करता है और उसने बोल दिया है कि मैं प्राची को कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन प्राची को अलग एक अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि प्राची को मेरी ज़रूरत है और मुझे प्राची की ज़रूरत है, क्योंकि अपनी बेटी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं दोनों ही जने। क्योंकि प्राची और रणबीर ने पहले ही बोल दिया था कि हमारी बेटी हमारे लिए बहुत कुछ मैटर करती है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही कहानी में वाकई में एक और भी नया ट्विस्ट भी देखने को मिलने वाला है। दोस्तों बात की जाए इस समय की बड़ी अपडेट की, तो जल्दी ही आप लोगों के बीच में काफ़ी बड़ा अपडेट भी देखने को मिलने वाला है, जब आप लोग देख पाएंगे कि इस समय आलिया बोलती हुई नज़र आने वाली है कि हमेशा की तरह प्राची को फिर हमसे टक्कर लेनी पड़ेगी। और आप लोग जानते ही हैं कि इस समय आलिया और रिया ने रणबीर की मॉम पल्लवी से भी वादा ले लिया है कि तुम वादा करो कि प्राची को अपने घर की बहू कभी स्वीकार नहीं करोगे। और वाकई में दोस्तों पल्लवी ने वही किया है जो रिया चाहती थी, क्योंकि उसने वचन दिया है कि मैं प्राची को कभी भी अपने घर की बहू स्वीकार नहीं करूंगी, ये मेरी गारंटी है, और फुल ग्राउंड गारंटी देती हुई नजर आई है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि यही ये लोग चाहते थे और वाकई में यही हुआ है। दोस्तों साथ ही आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कहानी में एक और भी नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जिसके लिए आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा इस कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू गाइज एंड लव यू ऑल ऑफ यू।